Hey there Leo, welcome to my channel Dream Tarot and hope you are doing good in your life and be happy. ये आपकी month of October की last 10 days की reading है 21st to 31st October and I will shuffle card now. This is a reading regarding your love life. तो लास्ट रिमेनिंग 10 डेज में देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. नाउ आई विल शफल कार्ड. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ लियो. व्हाट आर द मैसेज फॉर द साइन ऑफ लियो रिगार्डिंग योर लव लाइफ फॉर लास्ट रिमेनिंग 10 डेज अक्टूबर. आई हैव टू बी पेशेंस लिटिल बिट. बहुत सारे कार्ड शफल करते हुए स्टंबल हो जाते हैं दूसरे. तो लगता है लियो वाले बहुत ज़्यादा लियोज जो हैं बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में हैं. उनके एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओके. सेवन ऑफ वन फाइनली एक कार्ड आ गया आपके लिए. आप किसी चीज़ को डिफेंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर. हो सकता है आप अपने विश को यहाँ पर डिफेंड करना चाह रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं किससे, या फिर अपनी विश को हासिल करने के लिए, अपनी विश के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं. यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है. आप इमोशनली फुलफिल होना चाहते हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं किसी से. बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है और आपकी एक ख्वाहिश है कि आप The Empress. Last card is very good for you. And underneath the deck you have Knight of Swords, Two of Cups, King of Swords. So आप बहुत ज़्यादा clear हैं अपने हर मामले में. अपने love life को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक clear है आपका mind. अपने relationship को लेकर आप बहुत ज़्यादा rush करें किसी चीज़ की तरफ और आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं अपने पार्टनर की तरफ से, अपने सोलमेट की तरफ से. अब आपको बस वो चाहिए जो आप चाहते हैं और आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के वाले से. आप अब जो है कोई इमोशंस अपने पार्टनर को शो भी नहीं कर पा रहे या फिर आप नहीं करना चाहते शो. तो इस वजह से कि आप ये चाहते हैं कि अब जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाना चाहिए आपकी लव लाइफ में. और आप उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताबी महसूस करें अपने अंदर. और एक स्ट्रेंथ चाहिए आपको अपनी विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट करने के लिए. आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है आप इस वक्त. अपनी हैप्पीनेस के लिए आप अपने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दुआएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप अपनी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए अपने रिलेशनशिप में. लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है. आप उस पर्टिकुलर रश कर रहे हैं आप उस चीज़ को पाने के लिए. आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लव रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने लव पार्टनर को डिफेंड कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको डिफेंड कर रहे हैं. इस तरह की भी कोई सिचुएशन होती है. आप अपने विश को डिफेंड करना चाहते हैं यहाँ पर. आपकी कोई ख्वाहिश है जो बहुत शदीद ख्वाहिश है आपकी, जिसको आप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं. हो सकता है लास्ट 10 डेज में या तो आपको कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है किसी की तरफ से. ये आपकी भी हो सकती है या आपके सराउंड में कोई पर्सन हो उसकी भी ये एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कि आपकी एनर्जी आप बहुत अच्छे जा रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर आपकी ख्वाहिश है प्रेग्नेंट होना अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो. और अगर आप सिंगल हैं तो आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी लव लाइफ के लिए एक सूटेबल पार्टनर हो, एक सूटेबल मैरिज पार्टनर हो आपके लिए. और आप हो सकता है अपने पास पर्सन से रिकंसाइल करना चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं और आप अपनी लव लाइफ के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें
आपकी लव लाइफ में एक जान आए, मतलब कि उसमें भी कोई जैसे बाहर की सिचुएशन कहते हैं कि हम के बाहर आ गई हमारी ज़िंदगी में, उस तरह की सिचुएशन आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है आप, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और आप और आपके सराउंड में कोई पर्सन है भी जिसको आप परफेक्ट मैरिड पार्टनर के तौर पर देखते हैं, और उसकी तरफ आप रश कर रहे हैं, आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल उसकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि वो एक परफेक्ट मैरिड पार्टनर आपके लिए है, और आपकी विश फुलफिलमेंट है ये कि आप अपने पार्टनर अपने लव लाइफ को डिफेंड करने में अपने पार्टनर के साथ आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, और अब उस कमिटमेंट को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हैं। या फिर हो ये भी हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर से जो है बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नई जान आई है, दोबारा से रिजरेक्ट हो रहा है आपका रिलेशनशिप, दोबारा से आप सोलमेट कनेक्शन बन चुके हैं, और आपकी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन भी और क्विक कम्युनिकेशन भी आप पॉसिबल हो सकती है अगर आपके दरमियान बातचीत नहीं थी। तो लास्ट 10 डेज़ में मैं देखती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में दोबारा से एक नई जान आएगी, और जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप इमोशनली फुलफिल्ड होंगे अपने पार्टनर की तरफ से। अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तो आप अब अपनी लाइफ लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ में अभी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और अपनी लव लाइफ को बहुत अपनी ज़िंदगी को आप डिपेंड कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी एक ज़िंदगी नई ज़िंदगी शुरू हो, या फिर आप अगर प्रेगनेंसी के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिशों में लगे हुए हैं तो अब आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, या फिर आपकी प्रेगनेंसी की ख्वाहिश जो है वो इस मंथ में, लास्ट 10 डेज़ में, इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में पूरी हो सकती है। सो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आपका आउटकम क्या है, आउटकम ले लेते हैं फॉर द साइन ऑफ लियो। अगर आप मैरिड प्रेगनेंसी के हवाले से भी नहीं, अगर नहीं भी सोच रहे तो आप अपने लव लाइफ में को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने अब आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ में भी, अगर नहीं है आपकी ख्वाहिश कर रहे हैं, कुछ कुछ चाहते हैं आपके वो हो और वो हो नहीं पा रहा, दो कार्ड आपके लिए आए, माइंड गेम मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा आपके सराउंड में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा जकल भी कर रहे हैं, आपके समझ में से बाहर हैं चीज़ें, आप अपने गट्स फीलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आप अपने इंट्यूशंस को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को जो है यूज़ कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश को, अपनी विश को फुलफिल करने में, और आप बहुत ज़्यादा जगल भी कर रहे हैं इस माइंड गेम मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की बहुत आपकी कोशिश है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ और अपनी लव लाइफ को एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सके, आपके हाथ में कंट्रोल हो, इस तरह की आप की ख्वाहिश है। तो ये दो कार्ड यहाँ पर गिने हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से, कुछ वरीज काइंड ऑफ सिचुएशन भी चलेंगी आपकी, हो सकता है ये किंग ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर हो, आप अपने पार्टनर के हवाले से बहुत ज़्यादा आप, और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी हवाले से बहुत ज़्यादा बरी हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, जो कि इस वक्त जो है वरी एन्जाइटी की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हो सकता है इस प्रेगनेंसी के हवाले से वो किसी वरी या एन्जाइटी से इस वक्त गुजर रहे हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, उनकी इस तरह की मतलब एन्जाइटी में इंसान, डिप्रेशन में इंसान, तो कभी कभी इंसान की नींद भी हराम हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, हो सकता है प्रेगनेंसी को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा वरी हैं आप और आपके पार्टनर, तो ये आपकी ख्वाहिश है कि आप जल्द अज़ जल्द प्रेगनेंट भी हों, या फिर आपकी ख्वाहिश है कि अपनी स्टेबिलिटी में, अगर आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो
तो आप या आपके पार्टनर उस स्टेबिलिटी के वाले से बहुत ज़्यादा वरी है, और बहुत आप चाहते हैं जल्द से जल्द ये वरीज दूर हो जाए। आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आप स्लीपलेस नाइट्स में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त, आप या आपके पार्टनर। सो ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन, टग ऑफ वॉर, कन्फ्यूजन, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक एंगजाइटी की सिचुएशन दे रही हैं, इसलिए आप रश कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी लव लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ। अब आप चाहते हैं, हो सकता है आप इमोशनली कोल्ड भी हो गए अपने पार्टनर के साथ, दैट्स वाई ये आपके पार्टनर को एक एंगजाइटी दे रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस, कोई आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी दे रही है। चीज़ों को बैलेंस करना, बैलेंस बैलेंस रिलेशनशिप, एक बैलेंस रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, जो कि आपके पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे, या तो या फिर या आप अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट नहीं करें, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर जो है इस एंगजाइटी को फेस करें इस वक्त। या फिर ये प्रेगनेंसी के हवाले से भी हो सकती है, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप ये प्रेगनेंसी के हवाले से भी वरी एंगजाइटी हो सकती है। ये बहुत शदीद ख्वाहिश हो सकती है कि आप जो हैं इस सिचुएशन को जल्द से जल्द ओवरकम करें। या फिर ये टग ऑफ वॉर माइंड गेम मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी आपकी लव लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। लियो, कुछ वरी एंगजाइटी की सिचुएशन रहेगी आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी लव लाइफ को में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जा रहे हैं। या फिर आप किसी भी हवाले से आप एक चीज़ में अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, जो कि आप अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर, और बहुत रश कर रहे हैं। वो हर चीज़ एक वक्त में पूरी होती है, तो ये भी एक वक्त में पूरी होगी, लेकिन लास्ट 10 डेज़ में अक्टूबर के मुझे थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी एंजाइटी नज़र आती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रे करने की ज़रूरत है। सो लियो, ये आपकी लवर की सिचुएशन है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, लास्ट 10 डेज़। इफ़ इट्स रेजिडेंस यू प्लीज लाइक मे कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।